संसदीय समिति की बैठक में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आज वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में जबरदस्त बोतल तोड़ हंगामा हुआ। बैठक में बोतल पटकी गई, खून बहा। माननीय कहलाने वाले कुछ सांसदों ने अमाननीय व्यवहार भी किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के हाथ की उंगलियों में चोट लगी है। असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह उन्हें ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक की है। आज जेपीसी की बैठक में जंग जैसा नजारा था। बैठक में जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ बोतल फेंकी गयी, जिसके बाद बैठक के अंदर ही खून भी बहा। आखिर जेपीसी की बैठक में खून क्यों बहा, ये जानने से पहले ये तस्वीरें देखिए। बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों के साथ बीजेपी सांसदों की बहस हो गई, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में पानी की बोतल को चेयरमैन की तरफ उछाला और उसे मेज पर पटक दिया। इस घटना में खुद उन्हें ही चोट लग गई। कल्याण बनर्जी को उनके इस आचरण के लिए जेपीसी से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको अटेंड करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के दो विटनेसेज, दो डेलीगेशंस आए थे जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लाइयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या, ये देश को क्या संदेश आ गया है, और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों का पक्ष सुना जाना था। विपक्ष ने सवाल उठाया कि उनका वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना है। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच विवाद शुरू हो गया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने अध्यक्ष की ओर पानी की बोतल उछाला और बोतल टूटने से कल्याण बनर्जी के हाथ पर चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें बैठक से बाहर ले जाया गया। कल्याण बनर्जी ने कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ इस तरह गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और बोतल फेंका। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से उनको सस्पेंड करने की एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद पक्ष में 9 वोट पड़े और विपक्ष में 9 वोट पड़े, जिसके बाद उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। जगदम्बिका पाल ने इस घटना को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। कल्याण बनर्जी ने जेपीसी के अंदर हुई इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बहराइच बवाल का मुद्दा उपचुनावों में जमकर सुनाई दे रहा है।